नमस्कार फ्रेंड्स, आरपी मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप कोरल ड्रा के सारे शॉर्टकट एक साथ जानना चाहते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। टूल्स में जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाता है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स और आपको मिल जाता है और इसमें आपको मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के अंतर्गत कमांड। इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है तो आप क्या करें, ये जो छोटा सा आइकान है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कमांड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इस छोटे से आइकान पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं। फिर सिंपली आप शॉर्टकट की पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन और ओपन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू ऑल पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारे शॉर्टकट आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आप प्रिंट आउट और सेव दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे शॉर्टकट उपलब्ध हैं। इसका आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू का, इस पर क्लिक करेंगे और इसको फिर सेव कर लेंगे जहाँ भी आपको सेव करना है। वैसे मैंने एक बार यहाँ पर सेव कर रखा है, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, इसको शॉर्टकट रखते हैं। शॉर्टकट तो ऑलरेडी है ही, इसका नेम मैं शॉर्टकट 1 कर देता हूँ और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने सेव पर क्लिक किया है डेस्कटॉप पर, ये सभी शॉर्टकट सेव हो गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टकट 1 के नेम से, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल में ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी शॉर्टकट उपलब्ध हैं। इसको आप याद कर लें, वैसे याद कहाँ हो पाता है, काम करते करते सभी शॉर्टकट ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब चलते हैं कोरल ड्रॉ में और जानते हैं कि अपने अनुसार शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। इस टॉपिक पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट फिर से बना लेता हूं मैं। तो मैं पावर क्लिप इनसाइड का शॉर्टकट बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करें, यहां पर आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट। जैसा कि जिस मेनू बार में आपका पावर क्लिप हो, अगर पुराना वर्जन यूज करते हैं तो उसमें इफेक्ट के अंतर्गत पावर क्लिप मिल जाता है। इसमें तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत पावर क्लिप मिल रहा है। या फिर क्या करें, यहाँ पर आपको मिल जाता है सर्च का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सर्च का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पावर क्लिप और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने पावर क्लिप पर नेक्स्ट किया, आप देख सकते हैं पावर क्लिप यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक पावर क्लिप इनसाइड। तो मैं पावर क्लिप इनसाइड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको पहले क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर न्यू शॉर्टकट में टाइप करेंगे 1। जिस नेम से या जिस अक्षर से आपको शॉर्टकट बनाना है उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1 और फिर यहाँ से करेंगे असाइन पर क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंट शॉर्टकट की में 1 आ जाता है और फिर यहाँ से कर देते हैं ओके। अब मैं ट्राई करता हूँ क्या शॉर्टकट बन चुका है। तो उसके लिए क्या करें, टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर। इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे, इसमें भी कोई भी कलर फिल कर लेंगे, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एरो मिल जाता है, जो इनसाइड करने पर इस तरीके से एरो आपको मिलता है। मैं करके दिखा देता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करते हैं पावर क्लिप इनसाइड। जैसे आपने इस पर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट भी शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एरो मिल जाता है। यही काम आप 1 से कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे। जैसे आप 1 प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं इनसाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब सिंपली आपको इस रेक्टेंगल पर क्लिक कर देना है, जिस रेक्टेंगल में आप मैटर पावर क्लिप करना चाहते हैं। तो मैं इस पर लेफ्ट डाउन क्लिक करता हूं, तो जैसे आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये इसी में पावर क्लिप
हो जाता है। इसी प्रकार से अपने अनुसार जो भी शॉर्टकट आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।